हेलो डियर नॉर्थ साइड एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं TSL में। आज हम बात करेंगे बेड सोर के बारे में। जी हाँ, बेड सोर जिसको हम प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। इससे दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि प्रेशर की वजह से अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाए उसको हम बेड सोर भी बोल सकते हैं और प्रेशर सोर भी बोल सकते हैं और प्रेशर अल्सर भी बोल सकते हैं और डेक्यूबिटस अल्सर भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ों का मतलब एक ही है, ध्यान से समझिएगा ऐसा होता क्यों है। मान लेते हैं कि ये बॉडी की कोई सरफेस है, ये लंबे समय तक मान लो कोई पेशेंट बेड रिडन है तो उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो आर्टरीज सप्लाई दे रही है वो आर्टरीज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, जो कंप्रेस हो जाएगी। तो आप सोचिए कि कोई टिश्यू को ब्लड सप्लाई जा रही थी, अब उसको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ग्लूकोज नहीं जाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा और वो टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्किन वहाँ से डैमेज होने लगेगी और इसी को बोलेंगे हम प्रेशर सोर या डेक्यूबिटस अल्सर। मैं बात कर रहा हूँ इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो चार कॉज इसके हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो कॉज है वो है प्रेशर, कि प्रेशर की वजह से जो हो रहा है, और मेन कॉज भी यही है। पूछ भी ले कि सभी कॉजेज के अंदर से मोस्ट कॉमन कौन सा है तो आपको बताना होगा प्रेशर। दूसरी बात कर रहा हूँ कि प्रेशर के साथ जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है इसका मतलब है कि एक सरफेस किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी सरफेस किसी और डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से भी स्किन डैमेज हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि जो फ्रिक्शन है वो मेनली कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है या कौन से पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। फ्रिक्शन जो देखने को मिलता है वो थिन क्लाइंट में देखने को मिलेगा, जबकि प्रेशर है वो ओबीज क्लाइंट में देखने को मिलेगा। दो कॉज यहाँ पे खत्म हो गए। थर्ड कॉज है मॉइस्चर, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई स्किन हमारी जो स्किन है वहाँ पे वेटनेस प्रेजेंट है या मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये क्या करती है, बैक्टीरिया को या कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तो वहाँ से इजीली स्किन क्या हो जाएगी, सेड ऑफ हो जाएगी। फोर्थ रीजन की तरफ हम चल रहे हैं फ्रिक्शन के बाद, सीयर। सीयर का मतलब वो है कि कुछ अपोजिट डायरेक्शन की चीज़, जैसे मान लो पेशेंट, एक पेशेंट है जो लेटा हुआ है और बेडशीट है उसके ऊपर पेशेंट लेटा हुआ, अचानक से मैं उस बेडशीट को खींच लेता हूँ, ठीक है, या फिर किसी चेयर पे लंबे समय तक बैठे हैं जब हम नीचे की तरफ थोड़ा सा खिसक रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो हल्का सा फोर्स लगेगा इसको हम सीयर बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये मेनली लगता है सिटिंग पोजीशन में या फिर पेशेंट जब लेटा हुआ है तो जब हम उसको अप कर रहे हैं बेडशीट की हेल्प से तो ये लगता है, कौन सा, सीयर फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं स्टेज की, कि बेड सोर की स्टेज कौन कौन सी है। स्टेज समझने से पहले एक चीज़ समझिएगा, तीन पॉइंट्स की आपको बात करनी है कि मेन की उसके अंदर फाइंडिंग क्या है, दूसरा कौन सी स्किन की लेयर उसमें इन्वॉल्व है, और तीसरा आपको करना है कि पेन प्रेजेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं, स्टेज वन बेड सोर की। देखिए इसके अंदर क्या होगा कि रेडनेस प्रेजेंट होगी, तो मेन की पॉइंट हो गया रेडनेस। स्किन की कौन सी लेयर इन्वॉल्व होगी, तो एपिडर्मिस इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तीसरी पेन, हाँ पेन इसमें प्रेजेंट होगा बट स्किन बिल्कुल इंटैक्ट होगी, कोई स्किन के अंदर डैमेज नहीं हुआ। अब चलते हैं इसके स्टेज टू की ओर। स्टेज टू की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन स्किन में चेंजेस देखने को मिलेगा, दूसरा स्किन की एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, तीसरा पेन प्रेजेंट होगा। बट ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, इंटेंस पेन यहीं पे देखने को मिलेगा। बेड सोर की सभी स्टेज में सबसे ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा स्टेज टू के अंदर, और स्किन की लेयर की मैंने बात की आपसे, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, अभी भी स्किन इंटैक्ट ही रहेगी। अब चलते हैं स्टेज थर्ड की ओर। स्टेज थर्ड की बात करें तो इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, जो ब्लिस्टर बना है स्किन के ऊपर वहाँ पे म्यूकस कलेक्ट हो जाएगा या वॉटरी कलेक्शन हो जाएगा बट पस नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो स्किन यहाँ पे इंटैक्ट नहीं है क्योंकि ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो चुका है। दूसरी बात जो यहाँ पे है कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे बट बोन और टेंडन इन्वॉल्व नहीं होंगे, और पेन यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि नर्व एंडिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। फोर्थ स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज है
बेड सोर की वो लास्ट स्टेज है जिसके अंदर बोन और टेंडम भी इन्वॉल्व होंगे और साथ में पस प्रेजेंट हो सकता है, फाउल स्मेलिंग प्रेजेंट हो सकती है बेड सोर के अंदर, और यहाँ से बेड सोर का हील अप होना भी बड़ा मुश्किल हो सकता है। लास्ट स्टेज है, पेन की बात कर रहा हूँ, पेन यहाँ पे भी एब्सेंट ही रहेगा। तो ये चार स्टेज आपकी कंप्लीट हुई है। एक बार एक की पॉइंट में स्पेशली बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पेन किस में प्रेजेंट होगा, तो सबसे ज़्यादा पेन प्रेजेंट होगा वो स्टेज टू में प्रेजेंट होगा। बोन एंड टेंडम इन्वॉल्व किस में होंगे, तो वो ग्रेड फोर में होंगे या स्टेज फोर में इन्वॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या होना है, होने से पहले कि बेड सोर हो ही ना, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो मेन कॉज है उनको अवॉइड करना है। कि प्रेशर जैसे पड़ रहा है तो अब हम मरीज का वेट तो कम नहीं कर सकते, बट उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि हर दो घंटे से उसकी पोजीशन चेंज करनी है। जो प्रेशर पॉइंट है उनको मसाज करना पड़े। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यदि रेडनेस डेवलप हो चुकी है, स्टेज वन डेवलप हो चुकी है, अब आपको मसाज को कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपने मसाज किया तो इट मे लीड टू ब्रेक डाउन इन स्किन इंटीग्रिटी और बेड सोर बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि बेड सोर हो चुका है तो जिंक ऑक्साइड आप उस पर काम में ले सकते हो जो हीलिंग को प्रमोट करेगी। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि इंसुलिन का स्प्रे कर सकते हैं। इंसुलिन स्प्रे करने से क्या होगा कि वहाँ की जो आसपास की सेल्स है उनके अंदर ग्लूकोज चल जाएगा, जिससे सेल भी अच्छा फंक्शन करेगी और जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनको मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो ग्रो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों से ठीक से हमें फ़ायदा हो सकता है। थर्ड थिंग जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि लोकल हीट एप्लीकेशन कर सकते हैं। लोकल हीट एप्लीकेशन में क्या करेंगे, 100 वॉट का बल्ब पेशेंट के ऊपर लगा देंगे, 10 से 15 सेंटीमीटर उसके डिस्टेंस रखेंगे बल्ब की और पेशेंट की। इससे क्या होगा, हीट एप्लीकेशन से वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि वेजोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा जाएगा और ब्लड सप्लाई प्रॉपर जाएगी, तो हीलिंग बहुत बेटर तरीके से हो पाएगी। एक चीज़ और मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि इस पेशेंट को आप प्रोटीन रिच डाइट देंगे क्योंकि ये हीलिंग को इंक्रीज करेगा। ऊपर से विटामिन की बात बोले तो विटामिन सी भी हम साथ में देंगे क्योंकि ये हीलिंग को प्रमोट करेगा। और भी कोई ऐसे वीडियोज आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और भी कोई पॉइंट्स के बारे में बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।